हेलो, नमस्कार। वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कार्ल रोजर की जो ह्यूमनिस्टिक थियोरी ऑफ पर्सनालिटी है। ह्यूमनिस्टिक इसलिए क्योंकि इनका अप्रोच जो है वो ह्यूमनिस्टिक रहता था। जैसे हमें बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में पढ़ा होगा, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या जो कोगनेटिव साइकोलॉजी में काम करते हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो उनमें से कार्ल रोजर जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में काम करते हैं। इनकी थियोरी को रोजर की सेल्फ थियोरी जो है वो भी बोला जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आई डोंट थिंक आपको इसके बाद किसी और जगह से इस थियोरी को पढ़ने की जरूरत होगी, ऑल्दो बुक्स तो ऑब्वियसली आपको पढ़ते रहना चाहिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो है उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए और ये टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, कार्ल रोजर से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन्होंने दिया है कि सेल्फ होता क्या है, उसकी क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, या आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ क्या होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव आस्पेक्ट जो हम बात करते हैं सेल्फ की उसके बारे में। फिनोमिनल फील्ड की ये बात करते हैं और उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी करते हैं। पर्सन सेंटर्ड प्रस्पेक्टिव की बात करते हैं। गुड लाइफ की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप जो है गुड लाइफ अहेड कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी के बारे में बात करेंगे कि इस थियरी का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा और क्रिटिसिज्म जो है वो किस वजह से या कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो अगर हम कार्ल रोजर की बात करें तो 1902 से 1987 तक उनका टाइम पीरियड था, या वो उन 1902 में जो है वो पैदा हुए और 1987 में वो जो है एक्सपायर हो गए या उनकी डेथ हो गई। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इनको माना जाता है। कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कौन है या कौन नहीं है, या बिहेवियरिस्टिक कौन है या कौन नहीं है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि कार्ल रोजर जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी थियोरी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के ऊपर काफ़ी फोकस करती है। इनका मानना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो ह्यूमन पर्सनालिटी को शेप करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है और उसी के वजह से जो है वो ह्यूमन पर्सनालिटी शेप होती है या एक तरीके से एक शेप में ढलती है जो ह्यूमन की पर्सनालिटी है। इनकी जो थियरी है पर्सनालिटी से रिलेटेड वो डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए इनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जो है ये मानते हैं कि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि एक चीज़ हो गई ऑब्जेक्टिव, एक हो गया सब्जेक्टिविटी, तो ये सब्जेक्टिविटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ही बिलीव दैट अ पर्सन रिएक्ट्स टू चेंजेस इन देयर फिनोमिनल फील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फिनोमिनल फील्ड को भी एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो जो फिनोमिनल फील्ड को ये क्या बोलते हैं, जो आपके आसपास का कंप्लीट एनवायरमेंट जो है, तो जो फिनोमिनल फील्ड है यानी आपके आसपास जो जो चीज़ें हो रही हैं उसमें, तो जो जो चीज़ें हो रही हैं आप उन्हीं तरीके उन्हीं के लिए तो रिएक्ट करेंगे ना, कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। तो वो चीज़ ये क्या बोलते हैं कि फिनोमिनल फील्ड जो है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ही ह्यूमन पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं, उसके बिहेवियर में, या जो भी फिनोमिनल फील्ड, हम एक बार आगे डिटेल में बात करेंगे। तो कार्ल रोजर ओवरऑल क्या बात करते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के ऊपर एम्फोसिस करते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी होती क्या है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के ऊपर फोकस करते हैं। सो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, अगर आपको ये टर्म कहीं मिले और पूछा जाए कि ये किसने कॉइन किया या किसने दी है, तो वो किसको क्रेडिट देंगे, आप कार्ल रोजर को क्रेडिट देंगे। तो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी वर्ड किससे रिलेट करता है, कार्ल रोजर से। और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी क्या होगी कि आपका जो पर्सन का जो बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है, अंदर की जो फीलिंग होती है कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो जो उनकी हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी को बाहर लाने में हेल्पफुल होती है। सो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी रेफर्स टू अ पर्सन्स बेसिक इंस्टिंक्ट टू सक्सीड एट हिज और हर हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी। तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, जो आपकी बेसिक ड्राइव होती है या जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, उसकी बात हो रही है। हिज थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग और साइंटिफिक थियोरी ऑफ रिसर्च के ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है।
ये थियरी किस बारे किसके ऊपर हाईलाइट करती है? फ्री विल के ऊपर, कि आपका जो मन कर रहा है वो आप काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आप करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये फ्री विल पे और जो ह्यूमन पोटेंशियल है कि आप उसको कैसे यूज करेंगे अच्छे काम करने के लिए या गुडनेस के लिए, उसकी ये बात करते हैं। सेल्फ के कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो है इनकी थियोरी का फोकस एरिया है, एरिया ऑफ फोकस है। तो सेल्फ को ये क्या बोलते हैं कि सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल और रियल सेल्फ, ये टर्म्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। सेल्फ वर्थ क्या हो जाएगा बेसिकली, सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम जिसको हम बोल देते हैं, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि व्हाट वी थिंक अबाउट आर सेल्फ, वही क्या होगी हमारी सेल्फ वर्थ होगी। कई बार ऐसे होता है ना कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, डिग्रीज भी काफी हो गई, लेकिन फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं या कोई जॉब एस्पेक्ट जो है वो नहीं सेटल हो पा रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है आप सेल्फ वर्थ जो है आप ये वर्थलेस फील करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो वर्थ है उसी तरीके की वर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं वो क्या है, सेल्फ वर्थ है। तो रोजर बिलीव करते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इनका मानना है कि जो सेल्फ वर्थ है आपकी, कि आप क्या हैं या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो वो जो सेल्फ वर्थ है वो बचपन में ही डेवलप हो जाती है जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं अपने पेरेंट्स से। सेल्फ इमेज की अगर बात करें, हाउ वी सी आर सेल्फ, कि हम अपने आप को देखते क्या है, क्या इमेज है हमारी हमारी नजरों में, ठीक है। एक होता है कि आप दूसरे की इमेज की, उसकी इमेज बड़ी खराब है मार्केट में, वो वाली सिचुएशन होती है ना, तो उसमें क्या है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सेल्फ इमेज में क्या बात हो रही है कि आप अपने बारे में, ये हमने सेल्फ वर्थ की बात की कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ इमेज क्या हो गई कि आप क्या पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, कि आप किस तरीके से देखते हैं अपने आप को, ठीक है। और जो सेल्फ इमेज है वो इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगी, इन्फ्लुएंस ऑफ आर बॉडी इमेज ऑन इनर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जो आप अपने बारे में देखते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। वी माइट परसीव आर सेल्फ एज गुड और बैड, ब्यूटीफुल और अगली। तो इसलिए अगर हम, कई बार होता है ना कि वो दूसरे को वो इंसान सुंदर लग सकता है देखने में, लेकिन हो सकता है वो अपने किसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा हो कि मेरी नाक अच्छी नहीं है, या जो है मैं अच्छी नहीं दिखती, या पिंपल्स बहुत हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो अपने आप की जो सेल्फ इमेज है आपके लिए, अपने आप की जो इमेज आप सोचते हैं उसकी उसकी वजह से क्या हो रही है वो दिक्कतें या वो चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप अपने बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम आपकी डेवलप हो जाएगी। फिर ये बात करते हैं आइडियल और रियल सेल्फ की। कई बार हम बोलते हैं ना कि वो मेरे आइडियल हैं या रोल मॉडल हैं, तो वो किस क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उनकी जैसा बनना चाह रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो जिस जैसा आप बनना चाहते हैं वो क्या होगा, आइडियल सेल्फ। जैसे आप हैं एक्चुअल में वो क्या होगा, रियल सेल्फ। सो आइडियल सेल्फ इज द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, जो आप बनना चाहते हैं। वेयर इज द रियल सेल्फ इज द पर्सन यू एक्चुअली आर, जैसे आप एक्चुअल में हैं। ही स्ट्रेस दैट वी नीड टू अचीव कंसिस्टेंसी बिटवीन दीज टू सेल्फ, यानी जो ये आइडियल सेल्फ है और जो रियल सेल्फ है, इनके बीच में तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा। और उसी तालमेल बिठाने के चक्कर में दो टर्म्स आती हैं, कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस। अगर आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा भी बेसिक आपको ध्यान हो तो हम बात करते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, जिसमें क्या होता था कि साइड साइड या जो तीन चीजें जो हम बात करते हैं कि साइड 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 की, तीनों साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल की सेम है तो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी सेम है वो, ठीक है। तो उसी तरीके का कुछ लगा लीजिए कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस का। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइडियल सेल्फ है ये जो एक आपको बॉक्स दिख रहा है, दूसरा क्या है, सेल्फ इमेज। अब जो रियल सेल्फ है उसको हम सेल्फ इमेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप एक्चुअल में हैं वही तो आपकी सेल्फ इमेज, आप मान के चल रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, वो आपकी सेल्फ इमेज होगी। और जैसा आप बनना चाहते हैं वो क्या हो गया, आइडियल सेल्फ। यहाँ पे आप सेल्फ इमेज की जगह रियल सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ है वो क्या है, कंबाइंड सिमिलर है, यानी आप जैसा बनना चाहते हैं उस राह पे आप हैं, और काफी हद तक क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है उन चीजों में। तो सेल्फ इमेज क्या है, सिमिलर टू आइडियल सेल्फ है, मोर ओवरलैपिंग है इसमें, और पर्सन जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, यानी जो हाईएस्ट पोटेंशियल अपना जो है वो हासिल करके वो क्या करना चाह रहा है, आइडियल सेल्फ जैसा बनना चाह रहा है कि ये नहीं ये बनना है, तो वो आइडियल सेल्फ की तरह बनने में कामयाब जल्दी होगा, क्योंकि काफी हद तक ओवरलैपिंग यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट क्या होगा, जहां पे सेल्फ इमेज जो है वो आइडियल सेल्फ से अलग है। ये देखिए ओवरलैपिंग बहुत कम है, यहाँ पे काफी हद तक ओवरलैपिंग है।
ठीक है। सो लिटिल ओवरलैप होगा, सेल्फ जो सेल्फ इमेज है या जो रियल सेल्फ है वो आइडियल सेल्फ से अलग है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि जैसा आप बनना चाह रहे हैं वो बनने में काफी मुश्किलें जो है वो आपको आएंगी, ये इनकॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है वो कार्ल रोजर ने दिया है, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है या क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये मिरर में जो है वो क्या है, आइडियल सेल्फ है, यानी एक व्यक्ति है जो बहुत मोटा है, हेल्दी नहीं बोलेंगे, काफी मोटा है, जो कि अपने आप को कहां देखता है कि उसको सिक्स पैक बनाने हैं, ठीक है। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए, अब अगर इतना मोटा है तो क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत कम है, उसको काफी डिफिकल्टी होगी यहां तक पहुंचने में। तो यही क्या है, आइडियल यू और रियल यू का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, कि ये क्या है, जो मिरर में आपको दिख रहा है वो आइडियल सेल्फ है, और जो ये एक्चुअल में व्यक्ति है मोटा, इसको ये क्या है, रियल सेल्फ है। तो अब उसको क्या करना है, रियल से अब ये इनकॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि काफी गैप है, और जो लिटिल ओवरलैप है मतलब मामूली सा है कि आपको ऐसा बनना है। आई होप आपको समझ आया होगा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है। अब एक आता है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक है नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे हैं, अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, यानी अगर एक पर्सन हैज अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट तो वो क्या अच्छा फील करेगा अपने बारे में, कि मैं जो जैसा हूँ सही हूँ, और जो एनवायरमेंट जो वर्ल्ड है वो भी सेफ है, पॉजिटिव प्लेस है, यानी आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। एक आएगा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें जिस व्यक्ति का जो है वो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो अपने बारे में अपने से ना हमेशा अनहैप्पी रहेगा, अपने बारे में हमेशा ही गलत सोचेगा, हर चीज का प्रॉब्लम का जो भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी वो अपने आप को दोष देगा कि मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, मेरे से ही जो बेसिकली अपने बारे में नेगेटिविटी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाना, तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहते हैं कार्ल रोजर जो है वो एनहेंस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। अब आता है फिनोमिनल फील्ड। तो कार्ल रोजर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं फिनोमिनल फील्ड को एक पर्सन की सब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपके पास जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, चार ऑप्शंस हैं, एक ही आंसर है, फिक्स्ड है, क्लोज्ड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी में क्या होगा कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, उनसे आप अफेक्ट होंगे, तो उसी को ये क्या बोल रहे हैं, फिनोमिनल फील्ड बोल रहे हैं। यानी एक व्यक्ति है, मान लीजिए जो ये कर्सर पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सेल्फ है, इस सेल्फ के आसपास जो है बिहेवियर, थॉट्स, बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, बहुत सारी इमेजेस होंगी, तो यही क्या है, वो फिनोमिनल फील्ड है। और फिनोमिनल फील्ड जो है वो इंडिविजुअल और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट है वहां से आप सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो लर्निंग, और इंडिविजुअल के अंदर से इंटरनल मोटिवेशन जो है, तो मोटिवेशन और लर्निंग जो है वो किसको अफेक्ट करते हैं, इस फिनोमिनल फील्ड को अफेक्ट करते हैं। अब आप कुछ काम करना चाह रहे हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, बाकी लोग भले ही क्या कहें, कुछ कहे ना कहे या नेगेटिव बोले उस बारे में, बट अगर मोटिवेशन है तो वो अफेक्ट करेगा ना आपके फिनोमिनल फील्ड को, क्योंकि लोगों की आप सुनना बंद कर देंगे, तो ऑब्वियसली फिनोमिनल फील्ड के ऊपर अफेक्ट हुआ। तो ये क्या है, इंडिविजुअल और एनवायरमेंट या फिर मोटिवेशन और लर्निंग जो है वो आपका ये फिनोमिनल फील्ड को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मोटिवेशन और एनवायरमेंट है एक पर्सन का, वो किस पे, फिनोमिनल फील्ड पे एक्ट करता है। व्हेन अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद एनवायरमेंट एंड अदर्स ही फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब पर्सन जो है, कोई भी इंसान है, मैंने बोला था जैसे एक कर्सर पॉइंट अगर सेल्फ है तो वो जिन जिन से अफेक्ट होगा या इंटरेक्ट करेगा, अब एक इंडिविजुअल है वो इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट से, उसी के बाद क्या बनेगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो रिजिड नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको फ्लूइड बोला गया है, ठीक है, क्योंकि रिजिड होता तो सॉलिड भी बोल सकते थे ना। तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, फ्लूइड होगा, कॉन्सेप्चुअल पैटर्न होगा कॉन्सेप्ट्स का, और वैल्यू रिलेटेड होगा। तो ये क्या है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान सकते हैं कुछ हद तक, कि वो फ्लूइड और ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, क्योंकि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो इंडिविजुअल और एनवायरमेंट है वो फिनोमिनल फील्ड को अफेक्ट करेंगे। फिनोमिनल फील्ड क्या है, सब्जेक्टिव रियलिटी है किसी भी व्यक्ति की, यानी एक इंडिविजुअल के आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो बिहेवियर वाइज हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हों, पीपल हों, इमेज हों, थॉट्स हों, कुछ भी हो, वो सारे के सारे को किस में इंक्लूड करके चल रहे हैं रोजर, वो फील्ड में, फिनोमिनल फील्ड में उसको इंक्लूड कर रहे हैं। पर्सन सेंटर्ड परस्पेक्टिव, अब जो ये कार्ल रोजर हैं ये मानते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बेसिकली पीपल आर वेरी गुड, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। जैसे एक प्लांट को जरूरत होती है पानी की, सन की, न्यूट्रिएंट्स की, एक बड़ा ट्री बनने के लिए
वैसे ही एक इंसान, एक पर्सन जो है, उसको जेन्युइननेस की, एक्सेप्टेंस की और एम्पैथी की जरूरत पड़ेगी ग्रो करने के लिए। अब जेन्युइननेस से ये क्या समझते हैं? जेन्युइननेस यानी कि ऑनेस्ट हैं आप, डायरेक्ट हैं, फैकेड नहीं है, नॉट यूजिंग अ फैकेड। फैकेड क्या होता है कि जैसे ढांचा होता है ना, आप अगर गूगल पे फैकेड डालेंगे तो एक ढांचे से आपको दिखेंगे कि कोई भी बिल्डिंग का जो मेन भारी दिखावा टाइप, जो भारी ढांचा है, जैसे आपने कई बार मूवीज में देखा होगा बड़े बड़े सेट लगते हैं, पर वो सेट वो बाहर से दिखते हैं, अंदर तो कुछ नहीं होता उनमें ज्यादा, तो वो क्या है, वो एक फैकेड है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें, ये ना हो कि आप बाहरी जो है मुखौटा पहन के रखे हुए हैं और अंदर से आपको एक्चुअल में कुछ और है, जैसे कि टीवी सीरियल्स में विलन को दिखाते हैं। तो वही क्या है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, डायरेक्ट रहना है और फैकेड का यूज नहीं करना है। ट्रांसपेरेंट हैं आप, सेल्फ डिस्क्लोजिंग है, तो तभी आप जेन्युइन हैं कि जो आप हैं वो मुंह पे हैं बेसिकली। जैसे हम बोल देते हैं कि वो इंसान काफी मुंहफट है, भले ही वो जो है ब्लंटली चीजें बोल दे, लेकिन जो है सामने है, तो वो जो है सामने वाली सिचुएशन क्या है, जेन्युइननेस है। एक्सेप्टेंस या फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। एक्सेप्टेंस क्या है कि आप जैसे हैं पहले आप खुद को एक्सेप्ट करें, फिर जो दूसरे जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करें। कई बार हम जो है बुरा मान जाते हैं कि फलाने पर्सन ने जो है हमें कॉल करके बात नहीं पूछी या हमारा हालचाल नहीं पूछा। अब हो सकता है वो इंसान वैसा ही हो सकता है उसको फोन पे बात करना पसंद ना हो, हो सकता है कि वो इन पर्सन ज्यादा बातचीत करना पसंद करता हो, ठीक है। तो वो क्या है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस क्या हो गई, एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। कि आप ये ना देखें कि सिचुएशन के हिसाब से कोई बदल रहा है, ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी है बदलना, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जो डाइवर्सिटी है या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको डाइवर्सिटी समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में हैप्पी रहना चाहते हैं। तो एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड अदर्स कंप्लीटली, acknowledging feelings even problems, यानी आपको acknowledge करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको feelings हैं या problems हैं हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप जो है negativity का रोना लेके नहीं बैठ सकते। So to become fully functioning, a person needs to be unconditional पॉजिटिव रिगार्ड, कि आपको पॉजिटिव रहना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, तो आपको कंडीशन नहीं देखनी, अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए आपका। दूसरा एक टर्म आपको इसमें दिखेगी, फुल्ली फंक्शनिंग। सो फुल्ली फंक्शनिंग क्या होगा कि वो इंसान जो कि पॉजिटिवली जो करना चाहता है या जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको वो फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो फुल्ली फंक्शनिंग होगा। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया। दूसरी एक टर्म होती है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड तो है लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड कंडीशंस पे डिपेंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स जो है उनसे तभी ज्यादा प्यार करेंगे जब वो क्लास में जो है अच्छे पोजीशन लेके आएंगे, फर्स्ट आएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, क्योंकि उनको क्या है, उनको उनके मन में एक सिचुएशन है कि अगर हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अगर हम पढ़ाई में अच्छा करेंगे तो पेरेंट्स हमें ज्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। तो उनको एक पेरेंट्स को ना खोने का डर। कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए चीजें करने लग जाते हैं कि मेरे पापा ने या पेरेंट्स ने सोचा था कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन बच्चे के दिमाग में बचपन से वो डल रही है वो चीजें कि आपको डॉक्टर बनना है और आपका डॉक्टर बनना ही सपना है बचपन से। जबकि हो सकता है एक पॉइंट पे आके बच्चे को रियलाइज हो कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। रीजन, क्योंकि उसके पेरेंट्स वो चीज चाहते हैं और वो पेरेंट्स को खोना नहीं चाहता या उनके प्यार को जो है वो खोना नहीं चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता। तो वो क्या है, वो कंडीशनल हो रही है चीजें, कि आपकी जो आपका बिहेवियर है, जो चीजें हैं आसपास की, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कार्ल रोजर बात करते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की, एक्सेप्टेंस की। फिर है एम्पैथी, जो तीसरा पॉइंट था। एम्पैथी में क्या होता है, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। हमने किसी वीडियो में पहले भी शायद बात की हुई है एम्पैथी सिंपैथी पे। सो एम्पैथी क्या होगा कि आप ट्यून कर रहे हैं दूसरे की फीलिंग्स के साथ, यानी अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आपके साथ जो शेयरिंग हो रही है आप उसको सुन रहे हैं अच्छे से, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस आप उसको अपनी प्रॉब्लम समझ के सोल्यूशन दे रहे हैं कि अगर मैं होती तो ये करती या मैं होता तो ये करता। तो वो क्या है कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं उस चीज़ को और एम्पैथाइज कर रहे हैं। सिंपैथी क्या होगा कि आपने सहानुभूति दर्शा दी, लेकिन एम्पैथाइज करना या एम्पैथी क्या होगी कि आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसे ट्यून कर रहे हैं फीलिंग से, कि फीलिंग किसी और की है लेकिन आप ट्यून करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तो ये आपके साथ ही हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि आप अपना समझ के कोई सोल्यूशन देंगे तो वो क्या होगा, जेन्युइन सोल्यूशन होगा।
अब गुड लाइफ की बात करते हैं, जो ये फुल्ली फंक्शनिंग की बात मैंने की थी ना आपको, तो एक फुल्ली फंक्शनिंग लाइफ के लिए या एक अच्छी जो है जो आप एक्चुअल में चाहते हैं या जो आपकी एक्चुअल टेंडेंसी है चीज़ें करने की, उसके लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए और उसी को ये क्या बोलते हैं द गुड लाइफ, कि आपको एक अच्छी लाइफ अहेड करने के लिए किस किस तरीके की चीज़ों को अपनाना चाहिए। ये शॉर्ट में है पांच चीज़ें, जैसे अ ग्रोइंग ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी आप कोई नई चीज़ जो है करने से हिचकिचाए ना, आप ओपन हैं नई चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। एन इंक्रीजिंग एग्जिस्टेंशियल लाइफस्टाइल, सेल्फ ट्रस्ट इंक्रीज हो जाना, फ्रीडम ऑफ चॉइस होना और क्रिएटिविटी का लेवल हाई होना। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं, क्योंकि रोजर ने जो चेकलिस्ट दी है प्रिंसिपल्स की, वो किस लिए दी है कि आप एक हैप्पी, मोर सेटिस्फाइंग और हायर फंक्शनिंग लाइफस्टाइल जो है वो कर पाएं। हायर फंक्शनिंग लाइफस्टाइल यानी कि ये वही हो जाएगा फुल्ली फंक्शनिंग आप कर रहे हैं, यानी आप जो चाह रहे हैं एक्चुअल में, जो आपकी टेंडेंसी है, जो आपकी कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। जिसमें ये बात करते हैं अ पर्सन इज ओपन टू एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग, तो एक इंसान को किस तरीके का होना चाहिए एक अच्छी लाइफ हेड करने के लिए, वो ये प्रिंसिपल्स हैं कि आप नई चीज़ जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग खाने के मामले में होते हैं कि मुझे ये चीज़ शक्ल से पसंद नहीं आई दिखने में, तो मैं नहीं ही खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक आपका कंफर्ट जोन हो गया कि आपको नई चीज़ें ट्राई करनी नहीं, आपको नई जगह घूमने जाना ही नहीं है, रीज़न फिर आप कुछ भी दें। तो लेकिन एक पर्सन हैप्पी लाइफ कब हेड करेगा, जब वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए खुली बाहों से तैयार हो। दूसरा क्या है, अ पर्सन लिव्स इन द मोमेंट एग्जिस्टेंशियली रादर देन अटेम्प्टिंग टू डिस्टॉर्ट द मोमेंट टू फिट पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये वही चीज़ आ गई, यहाँ पे नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की बात हो रही थी, और यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन, जो मोमेंट आपके सामने है आप उसमें जिए, मतलब इट्स लाइक कि आप बस जी लीजिए जो भी है इसी मोमेंट में है, ये ना हो कि आप उस मोमेंट को जो है अपने हिसाब से अडेप्ट करवाने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी को किसी सिचुएशन को जो है अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपको दुख होगा, आप हर्ट होंगे। तो इसीलिए आपको क्या नहीं करना है, डिस्टॉर्ट नहीं करना है उस मोमेंट को कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करें, आपको थोड़ा मोल्ड होना है, फ्लेक्सिबल होना है, और आपको क्या करना है उस मोमेंट में पूरे तरीके से जीना है। सेल्फ ट्रस्ट, द पर्सन बिलीव्स इन देयर ओन डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एंड जजमेंट रादर देन ऑलवेज डिफरिंग टू अदर्स, यानी आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आपके जो फैसले हैं वो उनको ओन करना सीखिए, चाहे वो गलत हैं या सही हैं वो बाद की बात है, लेकिन आपको एक खुशी रहेगी कि वो फैसला आपने लिया है, ठीक है। तो वो ही क्या है यहाँ पे, सेल्फ ट्रस्ट की वो बात कर रहे हैं कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए ना पहले, दूसरों के ऊपर करने से पहले, कि जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं रख रहे तो आप दूसरों के ऊपर कैसे करेंगे। तो ये वही सिचुएशन है कि सेल्फ ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए। फिर द पर्सन बिलीव्स इन द पावर ऑफ देयर ओन फ्री विल टू मेक चॉइसेस, यानी किस तरीके का इंसान होगा वो जिसकी बात रोजर कर रहे हैं या जो हैप्पी लाइफ अहेड करेगा, जो अपनी मर्जी से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं कर रहे तो वैसे भी आप खुश नहीं होंगे, दुखी ही होंगे। सो ओन फ्री विल टू मेक चॉइसेस एंड देयरफॉर फील्स अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन बिहेवियर, तो आप उन जो रिग्रेशन होगा या जो भी आपकी रिजल्ट आएगा उनको, या कॉन्सिक्वेंसिस या फायदा जो भी होगा वो सिर्फ आपका होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी, क्योंकि डिसीजन आपका था। द पर्सन इज क्रिएटिव एंड यूजेस देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड वॉइस टू नेविगेट सोशल एंड कल्चरल सिचुएशंस विदाउट फीलिंग एंशियस अबाउट हाउ अदर्स विल परसीव देम, यानी एक पर्सन जो है वो क्रिएटिव होगा, इसीलिए हायर क्रिएटिव लेवल की बात की गई थी जब हमने वो गुड लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें बात की थी, वही प्रिंसिपल्स को हम एलेबरेट करके बात कर रहे हैं। तो पर्सन क्या है, वो क्रिएटिव है, और वो जो अपने पर्सपेक्टिव बना के या जो अपनी अपना लॉजिक बना के कोई चीज़ दे रहा है तो वो इस चीज़ को गलत फील नहीं करेगा। बेसिकली आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। सो तभी आप क्या करेंगे, क्रिएटिवली जो आपका मन कर रहा है आप वो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द पर्सन विल ऑलवेज इन एंड एक्ट इन अ वे दैट इज कंस्ट्रक्टिव, और जब आप कंस्ट्रक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव भी होते हैं। दे आर रिलायबल बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप इन सब चीज़ों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। दे आर इमोशनली रेजोनेट, तभी हमने एम्पथी की बात की थी कि आप इमोशनली किसी से रेजोनेट कर पा रहे हैं, कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसको एम्पथाइज कर पा रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ट्यून कर पा रहे हैं दूसरे इंसान के साथ। सो इमोशनली रेजोनेंट हैं, दे एक्सपीरियंस थिंग्स मोर इंटेंसली देन मोस्ट बिकॉज दे आर मोर इन ट्यून विद देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग्स।
तो ये सात जो है पांच छह प्रिंसिपल या किसी जगह आपको सात मिल जाएंगे, तो इलेबोरेट करके हम चीजें बता सकते हैं। बाकी ये उन्हीं चार पांच चीजों के बारे में बात करते हैं कि ओपननेस होनी चाहिए, एग्जिस्टेंशियल लाइफस्टाइल में इंक्रीज होना चाहिए कि आप कुछ नया ट्राई करना चाहें, सेल्फ ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए कि आपका जो मन कर रहा है, जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, और क्रिएटिविटी लेवल हाई होना चाहिए। तो ये गुड लाइफ की बात कौन करते हैं? रोजर करते हैं। रोजर की थियरी का कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल? वो सेल्फ परसेप्शन की बात करते हैं जब पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, यानी सेल्फ परसेप्शन इज द की टू पर्सनालिटी, कि आप जैसा अपने आप को परसेप्ट कर रहे हैं कि आप कैसे हैं। कंसिडर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑब्वियसली हर जगह ये पॉजिटिविटी की ही बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका कि ये ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं। एम्फेसाइजेस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, नई नई चीजें ट्राई करने की ये बात कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके के पॉइंट्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव चीजें जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। हर टाइम आप पॉजिटिव रहें ये जरूरी तो है नहीं। तो प्रमोट्स सेल्फ लव एंड नार्सिज्म, यानी कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा हैं तो आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव जो है वो नार्सिसिज्म भी हो सकता है, कि आप बहुत ज्यादा सिर्फ खुद के ही बारे में बात कर रहे हो, आप ऑब्सेस्ड हो जाएं खुद से। और दूसरा एक और चीज जो इनकी इंपॉर्टेंट है वो है कि ये अप्रिशिएट नहीं करते ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ एविल को, यानी एविल यानी कि जो गलत चीजें हो रही हैं या जो शैतान है वो क्या है, वो सोशल फिनोमिना को मानते हैं ना कि इंडिविजुअल ट्रेट को। जैसे कि इनका कहना है कि इंडिविजुअल जो है वो सब सही है, यानी जब ये वर्ल्ड को देखते हैं तब ये पेसिमिस्टिक है यानी निराशावादी है कि क्या चल रहा है, लेकिन जब ये इंडिविजुअल्स को देखते हैं तो ये ऑप्टिमिस्टिक है। सो ओवरऑल इनका मानना है कि इंसान जो है वो अपने आप में सही हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोसाइटी या जो वर्ल्ड है उसकी वजह, उसका ट्रेट है एविल या जो गलत चीजें हैं। बट यहां पे एक ये क्रिटिसिज्म इसीलिए हुआ इसका क्योंकि एविल क्या है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप सही हैं और सारे इंसान सही हैं तो सोसाइटी कैसे गलत हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी भी तो हमसे ही बनी है ना। लेकिन इसीलिए इसको क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि ये एविल जो है वो सोशल कॉन्सेप्ट मानते हैं, सोशल फिनोमिना को मानते हैं, ना कि इंडिविजुअल ट्रेट को। आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।